हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 में दोस्तों एंट्री लेने के लिए क्या सब डॉक्यूमेंट लगता है और क्या क्या होता है एग्जाम में जाने के बाद, ये सब इस वीडियो में हम दोस्तों बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी में डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा और कैसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एसएससी जीडी में यदि आपको एंट्री लेना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंट्री यदि आपको लेना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो चीज इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहला दोस्तों आपको जो है एडमिट कार्ड जो है एग्जाम में, ये तो फिक्स एडमिट कार्ड जो है लेके जाना ही है दोस्तों, ये जो है कंपलसरी आपको एंट्री के लिए आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या लगेगा एसएससी जीडी एंट्री में वो भी बता रहे हैं। जब एडमिट कार्ड आप निकालोगे उसी समय उसको बोल देना दोस्तों कि घोषणा पत्र जो है दोस्तों आप कोविड वाला निकाल दीजिए, उसको बोल देना है। तो आपको जो है दोस्तों घोषणा पत्र जो है लेके जाना है दोस्तों, घोषणा पत्र। अब घोषणा पत्र में क्या सब रहता है वो भी चीज मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों पहले देखिए घोषणा पत्र में क्या चीज आपको लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों वहां पे आपको जो है नाम लगेगा अभ्यर्थी का, इसके बाद दोस्तों आपका रोल नंबर लगेगा, इसके बाद आपको जो है परीक्षा केंद्र लगेगा, पाली फर्स्ट सीटिंग है, सेकेंड या थर्ड है वो चीज यहाँ पे लगेगा, इसके बाद एग्जाम सेंटर के बारे में लगेगा और एक दो ठो चीज कोई रहेगा उसको आपको फिलअप कर लेना है। ये चीज जो है दोस्तों घोषणा पत्र में जो है आपको लगता है। अब दोस्तों बात रहा है घोषणा पत्र के बाद क्या लगता है, तो उसके बाद जो है दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज जो है ना फोटो जो फ्रेश होगा फोटो वो चीज आपको पासपोर्ट साइज में जो है आपको लगाना है। ये चीज आपको पासपोर्ट साइज में दोस्तों दो फोटो एंट्री वक्त लगता है, ये चीज ले लेना। एक फोटो आपको लग जाएगा वहां पे जहां पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, तो एक फोटो आपको ले लेगा और दूसरा फोटो दोस्तों आपके पास ही रहेगा, वो आपको आगे में रखना है। इतना चीज ले जाने के बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे रहता है आधार कार्ड का भूमिका। दोस्तों आधार कार्ड आपको ले जाना पड़ता है। अब दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को आप वीडियो सब में देखे होंगे आधार कार्ड के बगैर एसएससी जीडी में घुमा देता है, जब उसके पास रहता है फिर भी उसको रिटर्न कर देता है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम सेंटर ऐसे क्यों कर रहा है? तो वो दोस्तों अगर आपको एंट्री लेना है तो डाक द्वारा जो आधार कार्ड आया होगा उसको लेके अंदर जाना है। अगर डाक द्वारा नहीं आया हुआ है तो आपको एंट्री नहीं देगा, जब आप निकाले रहोगे कुछ दिन पहले नॉमिनेशन सब किए रहोगे तब आपको जो है वहां पे एंट्री नहीं देगा। तब आपको उस समय क्या करना है, वहां पे दुकान सब रहेगा साइबर का, वहां पे आधार कार्ड को जो है अगर डाउनलोड वाला लेके जाना है तो आपको डाउनलोड वहां पे करना है, 100 रुपया लगेगा या 50 रुपया जो वहां पे लगेगा 150, तो वो दे के आपको वहां पे निकाल के जस्ट वो आधार कार्ड वहां पे लेके एंट्री लिया जाता है। यदि आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है तो आप ओरिजिनल जो है पैन कार्ड दोस्तों जो है आप ले जा सकते हैं। जब पैन कार्ड ले जाओगे तो आपको कोई तरह का दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगा एसएससी जीडी के एंट्री में, या ड्राइवरी लाइसेंस से भी दोस्तों आप जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इसमें से ड्राइवर लाइसेंस में से जो दोस्तों है कोई भी चीज एक थोड़ा आना चाहिए इन तीनों में, लेकिन इसमें जो है थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, डाक द्वारा जो आया रहेगा वही लेगा आपको। ये दोनों दोस्तों आपको अगर आप पास में है तो आपको तुरंत एंट्री दे देगा। ये सारे चीज दोस्तों आपको जो है एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में मांगता है, ये चीज आपको जो है हमेशा उपलब्ध रखना है। बस ये तीन चीज आपको जो है लेके जाया जाता है अंदर, तब आपको एंट्री होता है, उसके बाद आपको चेक चाक होता है सारे चीज का। अब बात रहा दोस्तों वहां पे एंट्री लेने के लिए कोई चीज, जैसे मान लीजिए सिकड़ी हुआ, पेन हुआ, ये सब ले जाने देता है, तो ये सब में दोस्तों कोई भी चीज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी चीज आपको अंदर नहीं ले जाने देगा। तो इस चीज को भी आपको माइंड में लेके चलना है, आपको ये सब अंगूठी हो या सिकड़ी हो या पेन हो कोई भी चीज आपको नहीं लेके जाना है, ना ही कॉपी एक भी, आपको अंदर में ही कॉपी सब सारा चीज मिल जाएगा। तो ये सारे चीज जो है दोस्तों एंट्री के लिए है एसएससी जीडी के लिए, इतना चीज आपको लेके दोस्तों जाना है।
तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि एसएससी जीडी के इंट्री के लिए दोस्तों आपको क्या सब लगता है। तो दोस्तों करता हूँ वीडियो को समाप्त।